हाय फ्रेंड्स, मेरे क्रॉस मर्सी लॉस्ट स्टार चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेमपाल सिंह है और हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है महिला आयोग में जब आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते हैं तो मेरे पास काफी सारे ऐसे ईमेल्स और काफी फोन कॉल्स और खास तौर पर कमेंट्स में ये क्वेश्चन आप लोगों का था कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बाद, यानी जब आप महिला आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसके बाद उसका स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं और कितने दिन बाद किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है ये बात आपको बताने के लिए कि ऑनलाइन कंप्लेंट करने के बाद आप उसका 10 डेज के बाद ही स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं, जो कि आपका रिसिप्ट नंबर है और उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है वो किस प्रकार से आपको फिलअप करना है और वेबसाइट में, यानी कि जो कमीशन है, कमीशन की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब जो है मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कमेंट्स में और जो मेल्स आपने मुझे की हैं उसमें, जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि एनआरआई केसेस में और जो सिंपल कंप्लेंट आप इस पोर्टल के माध्यम से भेजते हैं उन ऑनलाइन कंप्लेंट्स का स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इसका होम पेज है। और जब कभी आप कोई कंप्लेंट इस कमीशन को ऑनलाइन कंप्लेंट जब आप सबमिट करते हैं तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ऑनलाइन कंप्लेंट्स, ये ऑनलाइन कंप्लेंट्स का सेक्शन है। यहां पर रजिस्टर कंप्लेंट, कंप्लेंट अगेंस्ट एनआरआई और कंप्लेंट स्टेटस। तो यहां पर फ्रेंड्स हम इसके कुछ तरीके हैं देखने के, वो उस तरीकों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी इस कमीशन की तरफ से हमें ऑनलाइन कंप्लेंट स्टेटस के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस क्या दी जाती हैं। तो मैं उन इंस्ट्रक्शंस को एक बार आपको दिखा देता हूँ। रजिस्टर कंप्लेंट में जैसे आप जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, शिकायत पंजीकरण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉगिन फॉर एनसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय महिला आयोग हेतु शिकायत निपटान प्रणाली लॉगिन और स्टेटस ऑफ ए कंप्लेंट फाइल, दर्ज कराई गई शिकायत की स्थिति की जांच। अब या तो आप यहां से भी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि जब हम ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब हमें क्या इंस्ट्रक्शंस कमीशन की इस वेबसाइट के द्वारा दी जाती है। तो जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 10 ऑफ द एनसीडब्ल्यू एक्ट, जो एनसीडब्ल्यू एक्ट है उसके सेक्शन 10 को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है द कंप्लेंट्स आर डेल्ट विद एज बिलो, यानी जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है इसके अंतर्गत ही कंप्लेंट्स को जो है एंटरटेन किया जाता है इस कमीशन के जो ये सेक्शन 10 के अंतर्गत। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप शिकायत पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए, तो आप देखते हैं कि ऑन स्क्रीन एक इंस्ट्रक्शन जो है इस कमीशन के तरफ से दिया जाता है कि दिए गए फॉर्म को भरने के पश्चात आपको एक रसीद संख्या, गौर कीजिए, एक रसीद संख्या आवंटित होगी। यदि आपकी अर्जी राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती होगी, यानी कि सेक्शन 10 के अंतर्गत, अगर जो जैसे कि मैंने पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था, अगर उसके अंतर्गत आती होगी, यदि अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती होगी तो 10 दिन के बाद आपको आपकी अर्जी का फाइल नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए रसीद संख्या के उपयोग से प्राप्त करना होगा। यानी कि जो ये रिसिप्ट नंबर है, जो रसीद संख्या आपको अपनी कंप्लेंट को सबमिट करने के बाद मिलती है, उस रसीद संख्या के माध्यम से आप फाइल नंबर ले सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाता है। उसके बाद जैसे आप ओके करते हैं तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप इसको फिलअप करके अपना कंप्लेंट को जो है
यहाँ यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। और एक चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखिए कि जब आप अपना ईमेल आईडी डालते हैं तो ईमेल आईडी जो है आपका बिल्कुल करेक्टली आपको ईमेल आईडी डालना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, इसके अलावा जो है आप सीधा अगर कंप्लेंट स्टेटस में जाते हैं तो यहाँ पर आप दो तरह की कंप्लेंट्स के स्टेटस देख सकते हैं। एक तो स्टेटस है क्लिक हियर फॉर द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट रजिस्टर्ड विद नॉन रेजिडेंट इंडियन सेल ऑफ द कमीशन। आयोग के प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायत की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी कि एनआरआई रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उसके लिए अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और दूसरी तरफ क्लिक हियर फॉर द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट रजिस्टर्ड विद कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल ऑफ द कमीशन। कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल को जो आपने कंप्लेंट सिंपली जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो अगर आपने सबमिट की हुई है तो उसके स्टेटस के लिए यहाँ पर क्लिक किया जाएगा, यानी कि आयोग की शिकायत और जांच प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायत की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज खुल जाता है। तो इस पेज में रिसिप्ट नंबर जो आपको जब आप अपना कंप्लेंट सबमिट करते हैं, जब आप उस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करते हैं तो जो रिसिप्ट नंबर आपको मिलता है यहाँ पर जो है आपको रिसिप्ट नंबर डालना है और साथ में अपना ईमेल आईडी बहुत सोच समझ के, जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर आप इस कॉलम में फिलअप करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। जब आप सबमिट करते हैं तो आपको फिर यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया जाता है आपके जो आपकी कंप्लेंट है उसका स्टेटस चेक करने के लिए। तो इस कॉलम के माध्यम से आप अपना यूजर आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं जो आपको रिसिप्ट नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद मिला है 10 दिन के बाद जो मिलता है, उसके बाद आप इस इमेज को इस कॉलम में फिलअप करते हैं। अगर आपको ये इमेज समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई दूसरी इमेज अगर आप चाहते हैं तो, मतलब इस तरह से आप रिफ्रेश करके जो आपको ठीक लगती है उस इमेज को आप यहाँ पर फिलअप करके और लॉग इन करेंगे तो आपका कंप्लेंट का स्टेटस आपको पता चल जाएगा। अब ये जो इमेज है ये अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की इमेजेस आपको दिखाई देंगी, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार की इमेज आपको दिखाई दे। जब आपने दूसरी बार जब आप इस पेज पे आते हैं तो आपको अलग तरह की इमेज दिखाई दे सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो दूसरा तरीका हो सकता है वो है डायरेक्ट रजिस्टर कंप्लेंट में, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये सबसे नीचे अगर आप क्लिक करते हैं स्टेटस फॉर ए कंप्लेंट फाइल दर्ज करी गई शिकायत की स्थिति की जांच, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो भी आपके सामने वही पेज आता है। उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, यहाँ पे पहले रिसिप्ट नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, इसको सबमिट करना है और फिर आपको यूजर आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा और ये आपको इमेज यहाँ पे फिलअप करके और आप लॉग इन करेंगे तो आपका स्टेटस आपको पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अगर एनआरआई सेल में अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसे कैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लेंट अगेंस्ट एनआरआई, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो आप सबसे नीचे देख सकते हैं स्टेटस ऑफ ए कंप्लेंट फाइल। इससे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हुए हैं, क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो रजिस्टर योर कंप्लेंट नाउ क्लिक हियर, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि अपनी कंप्लेंट को सबमिट करने के लिए या कंप्लेंट फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन हमारे सामने ऑन स्क्रीन हम देख सकते हैं। दिए गए फॉर्म को भरने के पश्चात आपकी अर्जी का फाइल नंबर यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए ईमेल पर प्राप्त होगा, अतः सही और वैध ईमेल दें। यानी कि जो अब आपको एनआरआई सेल में अगर जब आप अपनी कंप्लेंट सबमिट करते हैं तो फाइल नंबर यूजर आईडी और जो पासवर्ड आपको दिया जाता है तो वो आपको ईमेल एड्रेस पर आपकी ईमेल आईडी पर दिया जाता है। तो जैसे आप इसे ओके करते हैं तो आप इन जो भी कॉलम्स है उसको फिलअप करके जब आप इसको सबमिट करते हैं अपनी कंप्लेंट को तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पर एक कॉलम है। इस कॉलम में अपना जो ईमेल आईडी जिस बारे में इन्होंने अभी इंस्ट्रक्शंस दिया था ये इस कॉलम में आपको सही सही ईमेल आईडी
सुचारू तरीके से, सुचारू रूप से लिखना है। तो यहां पर जब आप सही अपना ईमेल आईडी डालते हैं तो आपको आपका फाइल नंबर और जो यूजर आईडी है और पासवर्ड जो है तब आपके ईमेल पे आपको भेजा जाता है। और बाकी प्रोसेस वही है जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ये फिलअप करना है और उसके बाद आपको अपनी कंप्लेंट यहाँ पर लिखनी है और इस इमेज को यहाँ पर डाल के इस कॉलम में और सबमिट करते हैं तो आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जब हम इसका स्टेटस, अब बात कर लेते हैं कि स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो स्टेटस चेक करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर वही कंप्लेंट स्टेटस में जब हम जाते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर कॉलम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयोग में प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायत की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और ये वाली इमेज यहाँ पर इस कॉलम में फिलअप करके लॉगिन करेंगे तो आपको अपना कंप्लेंट का स्टेटस पता चल जाएगा। ये वही यूजर आईडी और पासवर्ड है जो आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से अगर हम देखें, दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ कंप्लेंट अगेंस्ट एनआरआई में अगर हम जाते हैं, यहाँ पर से भी आप इसको स्टेटस ऑफ ए कंप्लेंट फाइल, दर्ज कराई गई शिकायत की स्थिति की जांच, तो यहाँ पर आप करते हैं तो भी आपको वही पेज देखने को मिलता है। यहाँ पर यूजर आईडी जो आपको ईमेल पे आया है, पासवर्ड ईमेल के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है और ये जो इमेज है इसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे कॉलम में और लॉगिन करेंगे तो आपका स्टेटस आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने दिन बाद और किस तरीके से आप अपना स्टेटस जो है ऑनलाइन कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल क्रॉस मर्सी लॉ स्टार को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल और खासतौर पर कानून से रिलेटेड वीडियोज जो है मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो साथ में जो है बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलती रहेगी। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, सचेत रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।